हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर मंडल की दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों, कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों व कर्मकारों को लॉकडाउन की अवधि में उनके नियोजकों के द्वारा उनको मजदूरी के साथ प्रदान किया जाएगा अवकाश। वेतन नहीं मिलने या कटौती पर करें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन या कंट्रोल रूम पर शिकायत, होगी समस्या का समाधान, मंडलायुक्त ने दी जानकारी। क्वारंटाइन सेंटर में रहने वालों का अवधि पूरी होने पर भेजा जा रहा है उनके घर। डीएम ने बताया शुरुआती दौर में 16,000 लोगों में से संख्या घटकर पहुंची अब 12,000, स्थिति सामान्य। डीएम और एसएसपी ने लिया लॉकडाउन की स्थिति तथा क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था का जायजा, कहा लॉकडाउन का करें पालन, साफ सफाई का रखें ध्यान। प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना वायरस की जांच के लिए बनाए गए लैब की जानकारी सहित प्रत्येक बेडों पर ऑक्सीजन किट लगाने के दिए निर्देश, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई गेहूं खरीद की समीक्षा बैठक, कहा छोटे किसानों के खेतों तक जाकर खरीदे गेहूं, क्रय केंद्रों पर रखें समुचित व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग का रखें ध्यान। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल की सोच लाई रन, बनाए गए पोर्टल को पीएमओ कार्यालय ने सराहा, अब पूरे देश में लागू करने पर हो रहा विचार। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में बेलीपार थाना प्रभारी की टीम द्वारा ऑपरेशन गरल के तहत चलाया गया सघन चेकिंग अभियान, दो शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार, 50 लीटर शराब की गई बरामद। कोविड 19 की रोकथाम के लिए नगर निगम के गैर भाजपाई पार्षदों ने बोर्ड से मांगे 2-2 लाख रुपए, नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। लॉकडाउन में जनता को उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने के लिए महबा मंडी से 24 मैजिक गाड़ियां विभिन्न वार्डों में हुई रवाना, एसोसिएशन के महामंत्री ने कहा ओवर रेटिंग पर करें सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायत। मालोटिया मार्केट में सिविल डिफेंस ने कराया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, दवा कारोबारियों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील। लॉकडाउन को और प्रभावी बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा दी गई सख्ती, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने किया सरकारी कार्यालयों को सैनिटाइज, कहा सावधानी से रोका जा सकता है संक्रमण। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव द्वारा उरवा थाने पर धर्मगुरुओं के साथ की गई बैठक, अपने अपने समुदाय के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए लॉकडाउन का पालन कराने का दिया गया दिशा निर्देश। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा जनता को कोविड 19 के संबंध में लगातार किया जा रहा है जागरूक, जरूरतमंदों को आवश्यक लंच पैकेट भी किया गया वितरित। लॉकडाउन के दौरान सोमवार को प्रातःकालीन महवा मंडी का मंडी सचिव ने किया निरीक्षण, कहा सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन, लगाएं मास्क। लॉकडाउन के मद्देनजर सिख समाज ने घरों में ही मनाया अपना पवित्र पर्व खालसा साधना, गरीबों को कराया भोजन, कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संदेश से प्रेरित होकर समाज सेवी गजेंद्र सानी ने लगभग 100 गरीब परिवारों को वितरित किया राशन, कहा कोविड 19 को परास्त करने के लिए समाज के सक्षम व्यक्ति अपने आसपास रहने वाले कम से कम 5 परिवारों को अवश्य करें सहयोग। और लॉकडाउन के 20वें दिन भी महानगर की सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, बेवजह घूमने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा।